हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स। आज मैं आपके पास आया हूं एक सी सीट से जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन लेके। आपको पता है सी सीट के एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाए हैं, अभी मई जून में होने थे, जून के एग्जाम्स अभी तक पोस्टपोन हो गए हैं। अभी आपको बताने जा रहा हूं कि जो नवम्बर में एग्जाम्स होने हैं, उस नवम्बर के एग्जाम्स के लिए आपके लिए आखिरी डेट जो रजिस्ट्रेशन की रहेगी वो 27 अक्टूबर को रहेगी। तो ICSI ने ये रजिस्ट्रेशन की एक डेट्स निकाली है और साथ में डेट निकाली है इसकी एग्जाम्स की। तो ये पता लग रहा है नवंबर 2020 का सेशन इस कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का होगा, सी सीट का होगा, वो 28 नवंबर को 20 नवंबर सैटरडे को कंडक्ट किया जाएगा। पूरा 3 घंटे का पेपर होगा। इसके बारे में डिटेल्ड सिलेबस मैं ऑलरेडी अपनी अगले अलग से एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा, पूरा पैटर्न पता लगेगा कैसे एग्जाम्स होना है, ठीक है ना। तो सी सीट के नवंबर के एग्जाम्स के लिए अभी ICSI ने ये गाइडलाइन निकाली है कि 2020 नवंबर का जो सेशन होगा उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 27 अक्टूबर को है और इसका एग्जाम की डेट है 28 नवंबर। और बाकी डिटेल्स के लिए आप icsi.edu की साइट पर जाके भी देख सकते हैं। और ये सब उन लोगों के लिए है जिन्होंने 27 जुलाई से पहले अभी तक रजिस्टर किया है, उन लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आए हों। तो ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, 27 अक्टूबर तक उनकी लास्ट डेट है, लेकिन जिन लोगों ने 27 जुलाई 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करा ली है उन लोगों के लिए बड़ी न्यूज है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि जिन लोगों ने 27 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया उन लोगों को एलिजिबल किया गया है कि वो सी सीट का पहला एग्जाम 29 अगस्त को होने वाला है, उसकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को अभी से लेकर एंड तक सारा देखिए, आपको वन बाय वन पूरी इंफॉर्मेशन निकलेगी। ये इंफॉर्मेशन अभी गाइडलाइन कल ही निकाली है, आज ही आई है एक्चुअल में इंटरनेट के अंदर। तो सी सीट का एग्जाम नॉर्मल अभी तक नवंबर 2020 में होना था, उसकी रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर को लास्ट डेट है, लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूं 29 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट सी सीट एग्जाम जो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। अभी जून में होना था वो नहीं हो पाया है, तो 29 अगस्त को इसकी डेट आई है। जो लोगों ने 27 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन लोगों के लिए 29 अगस्त की डेट एलिजिबल है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए कि सी सीट का एग्जाम फर्स्ट एग्जाम 29 अगस्त को हेल्ड किया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से तो उन्होंने ये जो अभी तक नहीं हो पाया था वो अब 29 अगस्त को होने जा रहा है। अब सबसे बड़ी जो न्यूज है आपके लिए कि सी सीट जो अपना फर्स्ट एग्जाम जो कंडक्ट कराने जा रहा है ये रिमोट प्रोक्टर्ड मोड के थ्रू कराया जाएगा। रिमोट प्रोक्टर्ड मोड यानी अब आपको टेस्ट सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम टेस्ट सेंटर में नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम टेस्ट सेंटर्स, तो टेस्ट सेंटर्स में आपका एग्जाम नहीं होगा, कैंडिडेट्स को ये एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ये टेस्ट देने का मौका मिलेगा अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर, अपने घर से या किसी कैफे से या किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पर जाकर वो लोग अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज करके ये टेस्ट दे सकते हैं। इट इज नॉट लाइक अ ओपन बुक एग्जामिनेशन, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट एग्जाम। आप अभी देखिए, एक एक इंफॉर्मेशन दूंगा, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए कि आप इसमें कुछ अनऑथराइज्ड मींस या तरीके यूज कर सको। तो पहली बात, लैपटॉप या डेस्कटॉप आप अपने घर से एग्जाम दोगे, अपने किसी अगर घर पे नहीं है तो किसी कैफे में जाके एग्जाम दे सकते हो। तो ये रिमोट प्रोक्टर्ड मोड एग्जाम क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू अपियर थ्रू स्मार्टफोन, स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं होंगे, मोबाइल अलाउड नहीं होंगे, टैबलेट अलाउड नहीं होगा। तो फोन मोबाइल टैबलेट अलाउड नहीं है, ओनली डेस्कटॉप लैपटॉप या आपकी नोटबुक, ये आपके सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो घर बैठकर या किसी कैफे में जाकर। तो इस रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में जो मैंने आपको बताया था अपनी उस वाली वीडियो में कि वाइवा का एक पोर्शन है 15 मार्क्स का, वो वाइवा का पोर्शन इस 29 अगस्त के एग्जाम के लिए हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। नवंबर के लिए वो अभी कंटिन्यूड रहेगा। नवंबर के एग्जाम के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी जिसमें पूरी डिटेल बताई थी कि कौन सा किस किस तरह के एग्जाम आपके होंगे, तो उस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में डिफरेंस ये है कि यहां पर 29 अगस्त के एग्जाम के लिए
आपका कोई वाइवा नहीं होगा, पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। तो 29 अगस्त को पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू पोर्शन होंगे सारे ऑनलाइन टेस्ट के, तो वो सब कुछ स्टैंडर्ड वैसे ही रहेगा जैसे कि नवंबर में होने वाला है। तो अभी तक था कि सब फर्स्ट एग्जाम जो है नवंबर में होना है, पर नवंबर से पहले 29 अगस्त को उन बच्चों के लिए एलिजिबल कर दिया गया है जिन लोगों ने 27 जुलाई से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करा ली है। जैसे कि पेपर 4 के दो पार्ट थे, एक 35 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड और 15 मार्क्स का वाइवा, लेकिन उस पेपर 4 के जो सेकंड पार्ट था वाइवा का वो हटा लिया गया, उसका वो पूरा 50 मार्क्स कर दिया गया, यानी करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टॉपिक है पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें वाइवा का 15 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, जो नवंबर के एग्जाम्स के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न रहेगा इस 29 अगस्त के एग्जाम के लिए, उसमें पहला पेपर वही बिजनेस कम्युनिकेशन का है, 35 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेकंड पेपर 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सेम इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और करंट अफेयर्स और प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और 20 क्वेश्चन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के, टोटल 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी वाइवा नहीं होगा, पूरा 200 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा और 140 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे। और अब ये ध्यान, ये तो पैटर्न हो गया, तो जो आपका वाइवा का पोर्शन है नवंबर के एग्जाम्स के लिए वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो हटा लिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे, एग्जाम कैसे होगा, इसके बारे में आप पूरे ध्यान से देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज बताऊंगा। रिमोट प्रोक्टर्ड मोड, बार बार कह रहा हूं रिमोट प्रोक्टर्ड, यानी कि आपका काम करने का टेस्ट करने का तरीका जैसे भी होगा वो पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल होगा, पीछे से एक प्रॉक्टर होगा जो आपको कंट्रोल कर रहा होगा, वो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं एक एक चीज की। सारे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले एडवाइस किया जा रहा है अपने लैपटॉप डेस्कटॉप या नोटबुक, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या जरूरत पड़ेगी। लैपटॉप डेस्कटॉप की अवेलेबिलिटी पहले से अरेंज करके रखे जिन्होंने 29 अगस्त को एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड आपको टेस्ट से 10 दिन पहले मिल जाएगा, तो एडमिट कार्ड 10 दिन पहले मिल जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है। अब बता जा रहा हूं आपको कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें सबसे पहले तो आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की बात है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो है, सबसे पहले मैंने बता दिया मोबाइल और टैबलेट अलाउड नहीं है, स्मार्टफोन अलाउड नहीं है, सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप। सबसे पहले यह है कि आपका ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन का मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज का होना चाहिए। नंबर टू, रैम उस लैपटॉप या डेस्कटॉप की 256 MB से ऊपर की होनी चाहिए लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, और अगर नोटबुक है तो वो 1 GB से ऊपर की होनी चाहिए उसकी रैम। ग्राफिक्स के अंदर भी मिनिमम 64 MB का ग्राफिक्स मेमोरी कार्ड या इंटरनल एक्सटर्नल आपका लगा सकते हैं। मल्टीमीडिया सपोर्ट आपका साउंड कार्ड होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए उसके अंदर, जैक जैसे है या इंटरनल ऑलरेडी अगर है इसके अंदर तो सही है, तो माइक्रोफोन जरूरी है मल्टीमीडिया सपोर्ट में, साउंड कार्ड जरूरी है। वेबकैम आपका कैमरा चालू होना चाहिए उसके अंदर, जो कि 320x240 का जो स्पेसिफिकेशन है उसको मैच करे, और ताकि वो कलर वीडियो को रिकॉर्ड कर सके 15 FPS की। इंटरनेट कनेक्शन में ये मांगते हैं कि 512 KBPS अपलोड और डाउनलोड दोनों के लिए जरूरी है, पर यूजर का इंटरनेट कनेक्शन इतना मिनिमम होना चाहिए, और नॉर्मली इंटरनेट स्पीड जो चाहते हैं वो 1 MBPS की कम से कम आपकी होनी चाहिए, आपके चाहे वो वाईफाई से करो या मोबाइल डाटा से करो, तो अपलोड या डाउनलोड की स्पीड आपकी 1 MBPS की होनी चाहिए। प्रोसेसर आपके इस पूरे सिस्टम का 1 GHz से ऊपर होना चाहिए, और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर भी आपका पेपर दे रहे हो वहां पर बिजली बीच में ना जाए उस दौरान, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि इन्वर्टर का सिस्टम पूरा अरेंज करके रखना पड़ेगा इस पूरे टेस्ट के दौरान। तो ध्यान रख लो, ये आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन की तरह टेस्ट नहीं है कि आप जहां मर्जी इधर उधर देख के कुछ ना कुछ कर लो, ऐसा नहीं है। पहली बात बता रहा हूं कि ये तो रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपके लैपटॉप डेस्कटॉप या नोटबुक के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। स्पीड आपकी इंटरनेट की चेक करा लो, वेबकैम माइक्रोफोन सब आप टेस्ट करा लो उसके अंदर, सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, इन सब की जरूरत पड़ेगी। हर एक चीज की जो बताया है हर चीज की जरूरत पड़ने वाली है, बिजली की पावर सप्लाई की बताइए जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान रखिए ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बताने जा रहा हूं पेपर होगा कैसे। टेस्ट प्रोसेस में हर एक कैंडिडेट को लॉगिन करना पड़ेगा अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो ऑनलाइन टेस्ट में अपना आईडी डालोगे पासवर्ड डालोगे, उस दिन जिस दिन आपका टेस्ट होगा प्लेटफॉर्म पे जाकर यानी वेबसाइट पे जाकर जो भी दिया जाएगा आपको, उसमें टाइम शेड्यूल होगा, वेबसाइट का एड्रेस होगा, आईडी होगा, पासवर्ड होगा, वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा किस वक्त पेपर होना है आपका, वेबसाइट किस वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन करना है,
आईडी क्या होगी, पासवर्ड क्या होगी, ये सब कुछ आपको कम्युनिकेट अलग से किया जाएगा आपके ईमेल पर और आपके एसएमएस पर। अब ये रिमोट प्रॉक्टरिंग है क्या, कैंडिडेट जो भी सीसीट का एग्जाम दे रहे हैं उनको रिमोटली प्रॉक्टर किया जाएगा, मतलब नजर रखी जा रही है। ऐसा नहीं है घर बैठ के दे रहे हो तो एग्जाम आपका कोई देख नहीं रहा, आपके ऊपर पूरी नजर रखी जा रही है, रिमोटली दूर बैठ के प्रॉक्टर किया जा रहा है फ्रॉम द कंट्रोल रूम ऑफ इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना इंस्टीट्यूट का कंट्रोल रूम पूरा हर बच्चे के ऊपर नजर रखे होगा इसके अंदर। कैसे, सबसे पहले तो लॉग इन क्रेडेंशियल जो भी होंगे वो आपके ईमेल और एसएमएस पर भेज दिए जाएंगे। जैसे सेशन शुरू होगा तो कैंडिडेट को दो स्टेप्स में, दो लेवल्स में वेरिफिकेशन होगी। सबसे पहले लेवल में आपकी एक फोटो ली जाएगी, कैप्चर ऑफ फेशियल फोटो, आपकी फेस की फोटो ली जाएगी और एग्जामिनेशन के दौरान टेस्ट करते हुए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, पूरा जो एआई टूल है, वो आपकी पिक्चर को लगातार मॉनिटर करेगा एग्जाम के दौरान। कहीं आपने जो शुरू में फोटो दिखाई है और एग्जाम के दौरान अगर आपकी फोटो जो सामने आ रही है वो अलग पाई गई तो इमीडिएटली आपका एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है। इसका मतलब एआई टूल लगातार आपकी पिक्चर को मॉनिटर करेगा जो आपने शुरुआत में फेशियल फोटो बताई है, दिखाई है एस लॉगिन के वक्त, ठीक इनिशियली, तो कोई मिसमैच ना हो इसके लिए हर चीज चेक किया जाएगा। आप एक ही चीज पर ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, अगर कोई मिसमैच होता है तो सिस्टम इमीडिएटली उस कमी को पकड़ लेगा और उस कैंडिडेट की नोटिफिकेशन प्रॉक्टर को वहां पर इमीडिएटली दिखाई दे जाएगी और वो इंस्टीट्यूट को इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन भेज देगा। आपका एग्जाम उस वक्त चलता रहेगा लेकिन बाद में उसका कैंसिलेशन हो जाएगी क्योंकि आपको पाया जाएगा कि आपकी फोटो उससे मैच नहीं कर रही है। लेवल टू, कैंडिडेट विल नीड टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड। ये तो आपकी फोटो का मैच मिसमैच की बात की जा रही है। अब एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड जो आपका होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम के लॉग इन करते ही। तो प्रॉक्टर विल इंस्ट्रक्ट द कैंडिडेट, प्रॉक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि एडमिट कार्ड या आईडी आप दिखाओ जैसे ही आप एग्जाम के टेस्ट पेपर में लॉग इन करते हो। तो दो लेवल्स हो गए, पहला फोटो का और दूसरा आपका आईडी का। तो फोटो के थ्रू आपने जो शुरुआत में फोटो दिखाई है, जो आपका कैप्चर किया गया है, वो पूरे टेस्ट के दौरान रहनी चाहिए, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं सेम फोटो रहनी चाहिए। अगर कोई शर्ट है, कुछ भी है, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त पर, किसी भी वक्त, पूरे टेस्ट के दौरान कभी भी नहीं होना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा लॉग इन करते ही। तो दो चीजें ध्यान रखना, ये तो आपको पूरी तरह मॉनिटर किया जा रहा है, इसमें जरा सा मिसमैच पाया गया तो इमीडिएट आपकी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाएगी। अगर कैंडिडेट पाया जाता है कोई रूल्स तोड़ता हुआ टेस्ट के दौरान या कोई अनफेयर मींस कॉपी करने की कोशिश करता है, किसी से पूछने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उस डाटा को कलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगा। और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि अलर्ट आपको आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कमी पाई गई है इसके अंदर, क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का जहां पर आप पकड़े जा सकते हो। सबसे पहले अगर आपका कोई फोकस चेंज हो गया, यानी कि आपकी विंडो चेंज हो गई, आप दूसरे डेस्कटॉप या लैपटॉप पहुंच गए, वहीं पकड़ लिए जाएंगे। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या विंडो चेंज नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स अगर टैप आउट करता है टेस्ट में विंडो में तो वो टैप आउट करते ही आपका इंफॉर्मेशन वहां पर चली जाएगी। अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा या कोई ओल्डर ब्राउजर वर्जन आ रहा है तो अलर्ट आ जाएगा। वेबकैम डिसेबल हो गया, यानी कि कैंडिडेट्स का वेबकैम डिसेबल हो जाता है तो उस वक्त भी एक तरह से अलर्ट आ जाएगा। अगर आपका फेस विजिबल नहीं है या कैंडिडेट्स फेस कैमरा देख कैमरे में देख नहीं रहा, आपको कैमरे पे देखना है, आप समझ लो ये आप लैपटॉप लेके बैठे हो और आप टेस्ट दे रहे हो इस लैपटॉप के ऊपर, यू हैव टू लुक एट द कैमरा कंटिन्यूसली, लगातार आपको सामने देखना है, इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि इधर उधर उस कैमरे के अंदर कोई आसपास कोई आदमी पाया गया, कोई बुक दिखाई दी गई, कुछ भी अगर उसमें नोटिस में आ गया तो वो अलर्ट चला जाएगा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है सेवरल फेसेस, अगर उस कैमरे के फ्रंट में कोई और फेस सामने आ गया तो अलर्ट आ जाएगा, यानी कि कुछ और लोग भी टेस्ट टेकर के साथ बैठे हैं, तो आपके साथ अगर कोई आदमी बैठा है, कोई और लोग आपकी मदद करने के लिए बैठा है, दूर बैठा है, कहीं ना कहीं उस कैमरे में अगर उसकी फोटो आ गई तो अलर्ट हो जाएगा। अगर आपका फेस मैच नहीं कर रहा प्रोफाइल से, फॉर एग्जाम्पल आपने जो शुरू में फेस दिया था, आप सामने किसी और को बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते ना, सामने को बैठ गया तो फेस मैच नहीं करेगा। तो कैंडिडेट्स अगर एग्जाम दे रहा है वो सेम पर्सन नहीं है जिसकी फोटो शुरू में कैप्चर की गई थी तो अलर्ट आ जाएगा, यानी एडमिट कार्ड पे आपकी जो फोटो है और जो आपने शुरू में फेस दिखाया है लॉग इन के वक्त वो आपका फेस मैच करना चाहिए, पूरे एग्जाम के दौरान आपका फेस मैच करना चाहिए। ध्यान रखना एक एक छोटी चीज का।
अगर आपने माइक्रोफोन म्यूट करने की कोशिश की, वॉल्यूम कम है, ठीक है ना, जब म्यूटिंग भी नहीं करनी माइक्रोफोन को, अनम्यूट करके चलना है, म्यूट करते ही पता लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसको म्यूट नहीं कर सकते। अगर आसपास कोई कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, नॉइज है बैकग्राउंड में, तो सिस्टम उस बैकग्राउंड नॉइज को कैप्चर कर लेगा। स्क्रीन एक्टिविटीज आपको शेयर नहीं करनी। आपने कोशिश की कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन किसी को शेयर करो ताकि उसके आंसर्स मिल जाएं, पॉसिबल नहीं है। मतलब स्क्रीन शेयर एक्टिविटी आपने नहीं करनी। उसके बाद सेकंड डिस्प्ले, अगर आपने कोई और डिस्प्ले करने की कोशिश करी, एडिशनल डिस्प्ले लाइक एक्सटेंडेड मॉनिटर, आपने कोई और मॉनिटर साथ में लगा रखा है कि चलो इसकी चीज वहां लगा दो, पता लग जाएगा, इमीडिएटली पता लग जाएगा और पकड़े जाओगे। फुल स्क्रीन मोड आपका होना चाहिए, यानी कि आप इसको शॉर्टर वर्जन में, यानी कि फुल स्क्रीन मोड में ही चला सकते हो, शॉर्टर वर्जन में नहीं चला सकते। तो फुल स्क्रीन मोड को डिसेबल नहीं करना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें पकड़ करते ही, इनमें से कोई भी चीज पकड़ते ही पकड़े जाओगे। तो ध्यान रखो, एग्जाम आप दे रहे हो तो प्रॉक्टर की हर कदम पर आपके ऊपर नजर है। लाइव प्रॉक्टर्स होंगे उस वक्त, सेशन जो उस वक्त प्रोग्रेस में होगा वो डायरेक्टली ऑनलाइन वॉच किया जाएगा। प्रॉक्टर कैन चैट, यानी कि बीच बीच में चाहे तो प्रॉक्टर आपसे चैट भी कर सकता है, बातचीत कर सकता है उस सेशन के दौरान, समझ गए। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो, आपको टेस्ट पेपर कर रहे हो, तो बीच में प्रॉक्टर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई जनरल चीज। प्रॉक्टर आपसे कम्युनिकेट कर सकता है माइक्रोफोन के थ्रू, साउंड के थ्रू, या कैमरा मोड के थ्रू भी आपसे बात की जा सकती है। वो कहेगा ऑन करो या देखो बात करो, तो वो करने को कह सकता है। हर सेशन के अंदर, टेस्ट के अंदर आपकी फोटो, जो आपके फेस की फोटो है, वो लगातार सेव की जा रही है। हर मिनट में उसके स्नैपशॉट लिए जाएंगे वेबकैम के दौरान, स्क्रीन के आपके पूरे, यानी कि आप किसी भी मिनट के दौरान आपके जो फोटो लिए जा रहे हैं वो मिसमैच नहीं होने चाहिए किसी भी मिनट के लिए। ईच सेशन इज फिनिश्ड आइदर, यानी जो फिनिश सेशन, जब टेस्ट होगा फिनिश करेंगे, या तो आप खुद फिनिश कर सकते हो बीच में ही, या ऑटोमेटिकली जैसे टाइम आपका 2 घंटे का या 3 घंटे का टाइम जो आपका है, 2 घंटे का जो टाइम है, वो आपका जैसे खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सारी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेजेस, रिकॉर्डेड इवेंट्स जितने भी होंगे वो सिस्टम में स्टोर किए जाएंगे, सेव हो जाएंगे, और साथ साथ उस सेशन की पूरी डिटेल उस प्रोटोकॉल में, सेशन प्रोटोकॉल की, उस प्रॉक्टर के पास चली जाएगी। सेशन के एंड में प्रोटोकॉल लीव्स अ कमेंट, एक कमेंट देगा आपको पॉजिटिव या नेगेटिव, मींस आपका कंडक्ट कैसा था, आपने किस तरीके से बिहेव किया उस पूरे टेस्ट के दौरान। अगर कोई वॉयलेशंस नहीं पाई गई उस सेशन में, तो प्रॉक्टर एक पॉजिटिव रिमार्क दे देगा और आपके सेशन को कंफर्म कर देगा, अदरवाइज वो नेगेटिव देते ही वो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट में पहुंच जाएगी। एक हेल्प डेस्क नंबर भी है जो आपको दिया जाएगा कि टेक्निकल इश्यूज कैसे ठीक करनी है एग्जाम के दौरान, उसमें आप फोन करके जरूर पूछ सकते हो। कैंडिडेट रीच आउट टू दिस नंबर इन सच केस आपका लॉग इन अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। ध्यान रख रहे हो ना कि किन किन चीज ध्यान रखने वाला है, तो इतना आसान नहीं होने वाला। इसका मतलब आप एग्जाम अगर यहाँ पे बैठ के दे रहे हो तो आपके ऊपर उस इंस्टीट्यूट की के प्रॉक्टर की लाइव नजर आप पे बनी रहेगी हर एक टेस्ट टेकर के ऊपर। साथ साथ कैंडिडेट्स को सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो प्रॉक्टर आपको देगा टेस्ट के दौरान, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक ब्रेक, आप कोई ब्रेक नहीं ले सकते कि आपको यूरिन जाना है या कहीं वॉशरूम जाना है, नहीं जा सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोई ब्रेक नहीं लेना। इफ एनी कैंडिडेट टेक एनी ब्रेक, अगर आप टेस्ट के दौरान ब्रेक लेते हो तो उसको अनफेयर मींस ट्रीट किया जाएगा। अगर आपको इस टेस्ट के दौरान कुछ इश्यूज फेस होते हैं, जैसे नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा, नेटवर्क डिसकनेक्शन हो गया, वाईफाई डिसेबल हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, या पावर कट हो गया, मान लो ये हो गया, तो इस सिनेरियो में कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा लॉग इन दोबारा करो और कंटिन्यू करो फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, जहां पे आपने छोड़ा था वहीं से आप अटेम्प्ट शुरू कर सकते हो। इसमें रिमोट प्रॉक्टर आपके टैब पर पूरी नजर रखेगा इन इंस्टेंसेस में कि कब बंद हुआ, कैसे चालू हुआ, और सारे इंस्टेंसेस जो भी हुए होंगे वो इंस्टीट्यूट को इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा। और अगर दोबारा एग्जाम रिज्यूम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, पावर नहीं आई, वाईफाई नहीं चला आपका, तो कैंडिडेट्स को विद इन नेक्स्ट 2 डेज दोबारा से एग्जामिन किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपकी प्रॉपर इंटीमेशन दी जाएगी और साथ में अप्रूवल लिया जाएगा कि हाँ एक जेन्युइन केस था, ये वाईफाई का या नेटवर्क का या किसी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी का या पावर कट का, तो उस केस में आपको दोबारा अप्रूवल लेकर एग्जाम विद इन नेक्स्ट 2 डेज देना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपको मिल सकता है, लेकिन वो भी एक बहुत ही दूर का सिनेरियो है। कैंडिडेट्स में अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, आपको 1 घंटा का मॉक टेस्ट का मौका मिलेगा एक्चुअल एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो इसमें आप तैयारी कर सकते हो कि कैसे एग्जाम देना है, और इसके बारे में पूरी अनाउंसमेंट आपको टाइम टू टाइम
इंस्टीट्यूट देता रहेगा। मॉक टेस्ट जो होगा वो सब इसे दिया जाएगा ताकि आप पूरे प्रोसेस से, पूरे रिमोट प्रोक्टरिंग प्रोसेस से आप फैमिलियराइज हो जाओ, आपको पता लग जाए। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया किस तरीके से एग्जाम होने वाला है सीसीट का 29 अगस्त को सैटरडे को। और उसके बाद जैसे इस एग्जाम में तो आपका वाइवा नहीं होगा, लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यही चीज है, 9 नवंबर में जो एग्जाम देंगे उनके लिए प्रोसेस यही चलेगा। फर्क ये रहेगा कि ये वाइवा भी 15 नंबर का उस दौरान होता है। ठीक है, आई होप आप एक बार दोबारा देख लो, कुछ समझ नहीं आता है तो दोबारा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को इसमें रिवाइव करूंगा, सारी सॉल्व करता हूं अगर आपको कोई इसमें कुछ भी पूछने वाली बात है। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स, आई विल बी देयर फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। बहुत अच्छे अच्छे आपको इश्यूज, आपको कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूं आने वाले दिनों में। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स, थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।